यहाँ एडवोकेट हूँ। सर किस तरह का प्रदर्शन आज? ये प्रदर्शन असल में एनआरसी के संबंध में लेकर के हुआ है, क्योंकि इसमें सरकार का दोष यहाँ पर है, उलझता है राम जन्मभूमि को लेकर के। जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें देश में हलचल नहीं हो पाई थी, इससे सरकार जो है चिंतित हो गई, इसलिए इसे बिल को ला करके इन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली हर एक चीज पर हर तरीके से कोई भी बात हो हिंदू मुस्लिम वाली बात आनी चाहिए, चाहे क्रिकेट हो चाहे और कोई वजह हो, उसको लेकर उसमें फूटा आना चाहिए हिंदू मुस्लिम का। जबकि देश में कानून बनाया गया है, संविधान बनाया गया है, संविधान का पालन न करने से पूरा देश अस्त व्यस्त है, सब लोग दुखी हैं, मारे जा रहे हैं, उसमें पुलिस भी इंटेंगल है, पुलिस को पालन करना है, इसलिए पुलिस वाले ज़बरदस्ती में मारे जा रहे हैं। यहाँ जो जब तक ये वापसी गुजरात की नहीं होती है तब तक ये देश ऐसे ही चलेगा, इसको वापस करना ही पड़ेगा। इस केस को अगर वापस नहीं करते हैं, इस बिल को वापस नहीं करते तो उससे ज़्यादा घटिया कोई प्रदर्शन नहीं, अभी पता नहीं और आगे क्या करवाएंगे। चला है सर आज किस तरह का प्रदर्शन? ये जो अभी जो एक बिल पास हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन, और पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है, हम भी उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो अमित शाह जी ने एक बिल पास किया और उसमें कहा है कि जो बांग्लादेश से, श्रीलंका और पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे हम उन्हें, जो हिंदू होंगे हम उन्हें अपने देश में एक्सेप्ट करेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ माननीय अमित शाह जी से कि हमारे देश में पहले ही बहुत बड़ी बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है, और शिक्षा के क्षेत्र में हम बिल्कुल नील हो चुके हैं इस टाइम, और काम नहीं है, रोजगार नहीं है पब्लिक के पास। तो अगर हम उन्हें बाहर देशों से हम बुला रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे देश में और ज़्यादा भुखमरी होगी, लूट खसोट होगी, मर्डर होंगे, और जो आज लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं उसकी संख्या घटेगी नहीं और भी बढ़ेगी। तो जिस मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए अमित शाह या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी, वो इस पे बात नहीं करते हैं। और ये नया जो ये नियम लागू कर रहे हैं इसमें हर किसी आदमी में एक असंतोष पैदा हो चुका है, वो कहीं भी शांत नहीं है, हर आदमी डरा हुआ है कि मेरे साथ अगली बार क्या होने वाला है, शायद मैं इस देश का नागरिक रहूंगा या नहीं रहूंगा। असम में देखा 5 लाख लोगों को अभी उन्होंने घर से बेघर कर दिया है, अब बताइए वे लोग कहाँ जाएंगे? वो हमारे देश के हैं, अब कह रहे हैं कि जी उसका आपको नागरिकता यहाँ आपकी नागरिकता यहाँ की है तो उसके सबूत देने पड़ेंगे, अब सबूत में वो क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे इसका कोई पता नहीं है। ये वाला जो बिल हुआ है पास हुआ है इस पे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जो हमारे देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वकीलों की गिनती होती है, तो आज अपने सम्मानित डीएम साहब को हम ज्ञापन देना है उसी संबंध में कि जो ये बिल है इससे जनता में जो जागरूक लोग हैं बुद्धिजीवी लोग हैं उसका ये विरोध प्रकट कर रहे हैं, और उसका विरोध प्रकट भी इसलिए होना स्वाभाविक है कि उस बिल में इन्होंने केवल मुस्लिम्स को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है, बाकी जो सभी शरणार्थी हैं किसी भी कास्ट के लोग हों तो उन्होंने यहाँ इंडिया में आने का उसका स्वागत किया है, जो गलत है। जो आर्टिकल 14 है, जो संविधान के जो आर्टिकल 14 दिया गया है उसमें समानता का अधिकार सबको दिया गया है, उसमें जाति नहीं बताई गई है कि बौद्ध आएंगे, ईसाई आएंगे या फलां लोग आएंगे, उसमें ये कहीं नहीं दिया गया है संविधान में। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 है 14 है वो समानता का अधिकार सबको दिया गया है, तो वहाँ शरणार्थी किसी भी जाति का कोई भी आदमी हो सकता है। हम उसके बिल के समर्थन में नहीं है, पुरजोर उस बिल की निंदा करते हैं, और ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस बिल को ये वापस नहीं लेंगे।